नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। हम पीरपैंती वासियों के लिए बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि हमारे पड़ोसी भाई कुंदन ओझा जी आज देश के की रक्षा के लिए आज वो उन्होंने अपनी जान को गंवा दी। चीन ने जो भी ऐसा कार्य किया ये बहुत ही घिनौना है, और आज के दिन हम पूरे पीरपैंतीवासी, बिहारवासी और भारतवासी संकल्प लेते हैं कि चीनी सामान का हम लोग बहिष्कार करेंगे। यही हमारे भाई कुंदन जी के लिए सही श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। आज का दिन पीरपैंतीवासी के लिए भी बहुत ही दुखदायी है, क्योंकि पीरपैंती के जस्ट बगल में बिहारी गांव है, जो कि झारखंड के साहबगंज जिला में पड़ता है। कुंदन ओझा जी आज से 7 साल पहले देश सेवा में बॉर्डर पर गए, और अचानक घर वाले को मैसेज मिलता है 16 तारीख को कि कुंदन जी चीन के बॉर्डर पर सेवा करते करते शहीद हो गए। इससे भागलपुर जिला, साहबगंज जिला पूरी तरह से मर्माहत है। हम खेद व्यक्त करते हैं कि चाइना जैसा दंतहीन, विषहीन हम लोगों को आंख दिखाया, वो भी चोरी से, डर के, छुप के। अगर उसको लड़ना ही था तो हमारे जो भी सेना था उनको आगाज करके लड़ता, तो निश्चित तौर पर आज कुंदन भाई मेरा अकेला ही काफी होता कि चाइना को जवाब देने के लिए, और अकेला कुंदन ही उस देश को 17 दिन की बच्ची आ जाना याद दिला देता कि भारत में कितनी शक्ति है, छुप के बार करने वाले कितने कायर होते हैं। ठीक है, मेरे भाई शहीद हो गए, लेकिन पीरपैंती वासी को, भागलपुर वासी को, झारखंड वासी को निश्चित तौर पर संदेश दे के गए हैं कि लड़ना है किसी देश को तो सामने से आओ, हम सैनिक ही काफी हैं किसी देश से लड़ने के लिए। धन्यवाद। मीडिया प्रभारी पीरपैंती, आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच आज हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार जो कि आर्मी में तैनात थे 2011 से, कुंदन कुमार ओझा जो बिहारी के रहने वाले थे, रिश्ते में हमारे ममेरे भाई के दामाद लगेंगे, आज वो इस हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत ही इसका दुख है, जिसके कारण आज हम लोग पीरपैंती में चाइनीज सामान जो कि चाइना से आता है उसका बहिष्कार करने के लिए हमने चीन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के पुतला फूकने का यहाँ पे कार्यक्रम रखा है। हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं कि कोई भी भारतवासी चीन का कोई भी सामान यूज ना करें। आज कुंदन जी के अंतिम विदाई में शामिल हुआ, बहुत ही दुख हुआ कि उन्होंने अपने पीछे अपनी पत्नी, माता पिता और मात्र 17 दिन की एक छोटी सी मासूम बच्ची को छोड़ गए, जिसे अब हम रिश्तेदारों के द्वारा उनको सहानुभूति भी दे रहे हैं कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण करें, और सरकार से मांगे कि यथाशक्ति उनका
जो भी हो सके सरकार की जो तरह से रूल नियम होंगे वो तो उनको फॉलो करें। धन्यवाद। अरे जा रहे वीडियो बार बार हटा रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा डबल होना तब फोटो हुआ है बढ़िया। हो जाइए।